नरेंद्र मोदी खतरे में, गांधी वर्सेस मोदी कंट्रोवर्सी में, वाइल्ड कार एंट्री ली जर्मनी के ध्रुव राठी ने, वो भी राहुल गांधी का वकील बनकर। तो हे गाइस, आज हम नजर डालेंगे उस कंट्रोवर्सी पर जो सबको व्यूज दे रही है, तो हम क्यों पीछे रहे। सो लेट्स गेट पेड। इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई मोदी जी के एनिमेटेड रोस्ट के साथ। किसानों पर मैं चाहे लाठी पड़वाऊं, अडानी संग यारों मैं दोस्ती निभाऊं। हर जगह अडानी की वजह से मोदी जी बदनाम हो रहे हैं। जैसे अडानी से नहीं, बदनामी से मिले हो। जैसे साइमन सेज से मिलकर प्यूडीपाई का चैनल हैंग हो गया, वैसे ही अडानी से मिलकर मोदी जी की पीएम सीट हैंग होती दिख रही है। क्योंकि जो भी मोदी जी को रोस्ट करता बस यही कहता है, एक तरफ है अडानी, दूसरी तरफ है अंबानी। बट आई एम फीलिंग सैड फॉर मोदी जी। अब मोदी जी का इतना ब्रूटल रोस्ट हुआ है, वो भी उनके बेस्ट दुश्मन के द्वारा, तो वो भी पीछे कैसे रहते। कर दिया रोस्ट बैक। चुनाव से पहले राहुल गांधी, चुनाव के दौरान राहुल गांधी। हाँ, जब इतनी मेहनत करने के बाद भी चुनाव के दौरान वोट ना मिले, यही रिएक्शन होता है। वैसे अभी ये जियान सी शक्ल के अंकल का ये गाना बदवदी बदवदी बड़ा वायरल जा रहा था। कांग्रेस वालों ने मोदी जी को डिस किया, वो भी इस गाने को यूज करके। हाय हाय होय होय, हाय हाय होय होय, हाय हाय होय होय, बदवदी बदवदी। वेट, तुम्हें क्या लगता है ये वीडियो मोदी जी के किसी हेटर ने मजे मजे में डाल दी? तो जी हाँ, तुम 100% गलत हो, क्योंकि ये वीडियो किसी एक हेटर ने नहीं, हेटर्स की पूरी पार्टी ने डाली है, जिस पार्टी को हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं। तो जी हाँ, ये वीडियो कांग्रेस के ऑफिशियल चैनल पे पड़ी है। मुझे तो लगता था कि सिर्फ क्रिएटर्स ही ट्रेंड पर वीडियो बनाते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ तो पॉलिटिशियन भी एक दूसरे को रोस्ट कर रहे हैं, वो भी ट्रेंड का यूज करके। मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? फिर कांग्रेस यही नहीं रुकी, मोदी जी पर और वीडियो बनाई और बनाती ही गई। जैसे कि ये, आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। क्या बोला तूने? और जिलों के कैपिटल के नाम बोल। क्यों नहीं होगा ऐसा? बेचारे मोदी जी डिस्प्रेशन में है। एक तरफ ये कांग्रेस पीछे पड़ी है और दूसरी तरफ ये ध्रुव राठी। इतना एक्सपोज किया मोदी जी को, इतना एक्सपोज किया कि वो डिस्प्रेशन में चले गए। तो हो गई थोड़ी बहुत मिस्टेक, इंसान से ही होती है गलती। मैंने भी थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा गलत क्या बोल दिया इन टॉपर दीदी को। तो लोगों ने इतना प्यार दिया कमेंट्स में, 50 कमेंट्स में से 49 गालियां थी और 50 में से जो एक अच्छा कमेंट था वो भी मैंने खुद किया था अपनी फेक आईडी से। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो मेरी जान। तो अब देखो, पानी सर से ऊपर निकल चुका था, मतलब कांग्रेस का आतंक बहुत ज्यादा हो चुका था। तो फिर मोदी जी ने कांग्रेस को रोस्ट बैक पे रोस्ट बैक। और फिर कांग्रेस की हालत खस्ता देख एंट्री हुई एक महापुरुष की, जिसने मोदी जी के बारे में ऐसे ऐसे सीक्रेट्स रिवील किए जिनके बारे में खुद मोदी जी को भी नहीं पता था। देश के इतिहास में दोस्तों बहुत से प्रधानमंत्री आए हैं और गए हैं, लेकिन इतनी अजीबोगरीब बातें आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं करी। आज से कुछ दिन पहले गुजरात में कह रहे थे कि अगर आपके पास दो भैंस है तो कांग्रेस आपकी एक भैंस छीन कर ले जाएगी। अरे अरे, बताया ना, हेटर्स ने उन्हें डिस्प्रेशन में डाल दिया है। तो हो जाता है ये सब, यू नो, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। सो या गाइस, दिस वाज द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सायोनारा। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए इसको।